जय श्री राम दोस्तों, कैसा सब तुम करता हो? सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। एक नए वीडियो की शुरुआत हो गई है। मेरा नाम है रजत कपरवान, मैं जबरदस्त प्रयाग से आपके लिए ब्लॉग बनाता हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दुकान से। मैं हूँ अभी दुकान में और आज मौसम थोड़ा बंद है, थोड़ा धूप तो लगी है पर मौसम पूरा बंद हो रखा है और अभी हल्की हल्की हवा चल रही है। और निशान सिंह लाए सुबह सुबह आम खाने को। निशान तोरों का आम अब पक रहा है और हम खा रहे हैं आम, बहुत टेस्टी हो रहा है आजकल क्योंकि अब बहुत कम रह रखे ना, लास्ट में टेस्टी होता है। तो गाइस अभी देखो ये क्या है, ये है कागजी, देखो कितना बड़ा है ये सच में कागजी है गाइस। आपको लगेगा कि माल्टा है या कुछ है पर ये कागजी है, सच में ये कागजी है। ये अचार वाले जो कागजी होता है ये वो है और ये दादी और ने हमें दिया था। अभी दादी जी बना रही है कागजी का पानी और हम पियेंगे अभी दिन में कागजी का पानी क्योंकि दिन में सही होता है और आज गर्म भी हो रहा है तो इसलिए कागजी का पानी स्वास्थ्य के लिए सही होता है। आज सुबह से दादी कुछ बना रही थी और देखो दादी ने ये बना रखा है जो अरवी होती है ना उसके पत्तों का कुछ बना रखा है कि वो कहते हैं इसको गुंडला बोलते हैं गढ़वाली में और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ ऐसा बना है ये। शायद इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है पर शायद, पर मैं तो पहली बार खा रहा हूँ तो टेस्टी तो लग रहा है थोड़ा बहुत। पर दादी बोले गर्म हो गए तेल लिए तो देखते हैं कैसा होता है। गर्म होगा तो गया, आज पहले गर्म हो रहा था। और अभी लेते हैं नींबू पानी का मज़ा, बहुत मस्त बनाया दादी ने। तो गाइस जो मेरा ये पुराना वाला जो एक साल पहले मैंने ये ट्रैपॉड मंगाया था ये टूट गया है, ये परसों टूट गया था तो इसीलिए मैंने नया ट्रैपॉड मंगाया था मीशो से, तो वो पार्सल मेरे पास आ गया है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जो पहले वाला जो मेरा ट्रैपॉड था ना उसमें लाइट भी थी और इसमें लाइट नहीं है तो देखते हैं कैसा है ये। बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले वाले ट्रैपॉड में था, उसको एक साल हो गए थे मेरे पास पर उसका जो लाइटिंग वाला था उसमें मैंने चार्ज किया नहीं था, वो लाइट ख़राब हो गई थी और उसका जो, अभी मैं दिखाता हूँ और क्या क्या था उसमें। इसमें ये बॉक्स मिला है मुझे उसके अंदर और इसके अंदर होगा साइड ट्रैप। ओ भाई ये तो पूरा पैकिंग है यार, इसको पूरा खोलना पड़ेगा मुझे। कुछ इस प्रकार से बॉक्स है ये, दिख रहा होगा आपको। इस ट्राइपॉड का नाम है सेल्फी स्टिक R1। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मिला ये रैपर और एक बुक मिली है जो नीचे गिर गई थी। इस बुक का क्या करना है यार, इसमें पूरा चाइनीज में लिखा है। ये मेड इन चाइना का था पहले भी, एक साल में चल गया, बहुत चल गया। गाइस वैसी ट्राईपॉड है ये भी, खाली इसके ऊपर लाइट नहीं है, उसके ऊपर लाइट थी पहले, वो टूट गया है तो अब मैं दिखा नहीं सकता उसकी लाइट भी। ये यूट्यूब गेम के लिए बेस्ट है और ये मैंने मीशो से मंगाया था, इसको मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, ये बेस्ट है ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। और ये वही है जैसे पहले हमारे पास सेल्फी स्टिक थी वैसी है ये। और इस पर जो, इस पर एक चीज़ है ये बटन, ये बटन आप अपने हाथ पे ले सकते हो और अपने स्टैंड को दूर खड़े होकर इस बटन से फ़ोटो खींच सकते हो। ये बटन इस पर देखते हैं वैसी है ये बटन, हाँ वैसी है ये, इससे फ़ोटो खींच सकते हो। और ये आपको मिल जाएगा मीशो पे, मैंने ये लिया है ऑनलाइन पेमेंट करके 211 रुपये में। जो छोटे यूट्यूबर हैं उनके लिए ये बेस्ट है, आप इसको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो मीशो पे। अगर आपको लेना हो तो मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको वहीं पे इस सेल्फी स्टिक को यूज करते हैं, देखते हैं ठीक है या नहीं है। वैसे तो ठीक ही है क्योंकि मैंने यूज कर रखा है तो ठीक ही है और पहले से बेस्ट है ये। और इस सेल्फी स्टिक का एक और यूज़ कर सकते हो आप, इससे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो और ये आपका चारों ओर घूम जाता है तो इससे आप अपनी रील भी बना सकते हो अच्छे से। ये पूरा घूम जाता है एक एक जिम्बल की तरफ, जो जिम्बल होता है वो ऐसे घूमता है तो उसकी तरह ये भी घूम जाता है पूरा। जिम्बल कितना महंगा होता है उससे तो अच्छा यही है।
ये चारों ओर घूम भी जाता है। इस स्टैंड को आप दूर रख के और अपने हाथ पे ये रिमोट लेके दूर से आप कंट्रोल कर सकते हो, आप फोटो और वीडियो दोनों ले सकते हो। इसका जो कनेक्टिंग होता है वो ब्लूटूथ से होता है, आप इसको ब्लूटूथ पे कनेक्ट करोगे और इससे फ़ोटो और वीडियो दोनों ले सकते हो। और छोटे ब्लॉगर के लिए बहुत अच्छा है, 211 रुपये बहुत अच्छी प्राइजिंग मुझे लगी है, तो आप मीशो से इसे ले सकते हो। पहले मैं फ्लिपकार्ट से लिया था, उसमें मुझे महंगा पड़ा था, 299 का। बस उस पर लाइट थी और इस पर लाइट नहीं है, और लाइट का मुझे ज़्यादा लगता नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा दिन ही में ब्लॉगिंग करते हैं, और लाइट भी उसकी छोटी सी थी तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस खाली ये है कि थोड़ा हिलता है हाथ पे हल्का सा, अगर आपका फ़ोन थोड़ा भारी होगा तो ये हिलता है। जब से मेरा ये सेल्फी स्टैंड टूटा है ना, तो मुझे ब्लॉगिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं सेल्फी स्टिक से ना टाइम लैप्स बनाता था और अच्छे से टाइम लैप्स आती थी, एक जगह रख दिया और अच्छे से टाइम लैप्स बना दिया, और उससे मुझे दिक्कत हो रही थी थोड़ा सा, और ज़्यादा मैं उसको यूज़ नहीं करता था, बस टाइम लैप्स के लिए ज़्यादा ही यूज़ करता था, तो इसलिए मैं मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी उसके लिए, तो मैंने वो नया मंगा ही दिया। बाकी मैंने आपको बता दिया, और ये सेल्फी स्टिक स्टैंड भी बन जाता है और लंबा सेल्फी स्टिक भी बन जाती है लंबी सी, आप इससे अच्छी फ़ोटो और वीडियो ले सकते हो। आप इसको परचेज कर सकते हो अच्छे प्राइस में मीशो से। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय दोस्तों, बाय।